और आइए दोस्तों, अब कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई देने का समय आ गया है। मैं केवल दो चार पंक्तियों में परिचय आपको दूंगा कि कोई शायर अपने शहर में शाम को टहलता हुआ घर आए, छत पर कुर्सी लगाकर बैठ जाए, चांद को देखे, कागज कलम उठाए, एक शेर लिखे और सो जाए, और सवेरे जब वो उठे तो वो शेर उसका न रहे, पूरी कायनात का हो जाए, तो उस शायर का नाम हो जाता है राहत इंदौरी। राहत साहब अलग अलग माध्यमों से, फिल्मी गीतों के माध्यम से, कैसेट्स के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से बार बार लगातार आप तक पहुंचते रहते हैं। आज आपके साथ साथ हम सबको भी मौका मिल रहा है कि साक्षात उनसे हम उनकी रचनाओं का आनंद लें और एक अलग दुनिया में थोड़ी देर के लिए हम जाएं। राहत इंदौरी साहब के साथ मैं बड़े सम्मान से उन्हें दावत दे रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जोरदार तालियों के साथ अपने इस हरदी लजीज शायर साहब का हम सम्मान करें, स्वागत करें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आज के स्नागदा के प्रेस क्लब के साथियों का शुक्रिया अदा करूं। मेरे कोई 50 बरस पुराने साथी जिनके साथ हमने मंचों पर आना शुरू किया था, भाई जगन्नाथ विश्व, उनका शुक्रिया अदा करूं, और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं नागदा के, उनका शुक्रिया अदा करूं कि आज इतने खूबसूरत और इतने कीमती मंच पर इस गरीब और हकीर शायर को बुलाया, ये मेरे लिए आनर की बात है। आज नागदा में आप लोगों ने सिर्फ राहत इंदौरी का सम्मान नहीं किया है, बल्कि पूरे उर्दू समाज को बुला के उसका सम्मान कर दिया। शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, वाह। मैं पहला शेर आप लोगों की नज़र करता हूँ जो मोहब्बत से इतनी सर्द रात में बैठे हुए हैं और कविता सुन रहे हैं। मैं ज़रा संकोची किस्म का आदमी हूँ, मैं कह नहीं पाऊँगा कि इधर के दाद नहीं दे रहे हैं, उधर के दाद नहीं दे रहे हैं। मेरी नज़र में तो आप लोग बहुत ही शरीफ हैं, और शरीफ लोगों का फ़ायदा यह है कि उन्हें कुछ भी सुनाया जा सकता है। और लेकिन एक ज़रा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जब मेरे सामने बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, बहुत सूझबूझ के लोग, बहुत शायरी समझने वाले लोग, कविता को समझने वाले लोग बैठते हैं, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि वो पहले शेर सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर फैसला करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, तब कहीं जाके थोड़ी सी ताली बजा देते हैं। इतनी देर में शेर बहुत दूर उज्जैन तक निकल जाता है। तो मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश ये है, गुजारिश सिर्फ ये है कि इस वक्त ये लगना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ और आप तक पहुँच रहा है। और जगन्नाथ विश्व जो है बहुत जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने कोई किसी मामूली शेर को शायर को नहीं बुलाया, वो उनका फैसला है, वो सही बुलाया। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहला शेर आपको पढ़ के देखता हूँ। क्या बात, वाह। और यही शेर फैसला करेगा कि मुझे आगे कितने शेर पढ़ना है, ये भी ध्यान दें। सुने कि किसने दस्तक दी, ये दिल पर कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये दिल पर कौन है, वाह। ये तो आपके लिए था, बहुत शुक्रिया आपका। एक शेर में भाई जगन्नाथ विश्व की नजर कर रहा हूं। मैंने आपसे बता दिया कि आधी सदी से हमारा रिश्ता है, कभी सोचा ही नहीं कि कौन हिंदी का है, कौन उर्दू का है। एक अखबार वाले क्योंकि जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ये बता दूं कि एक अखबार ने एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल किया कुछ दिनों पहले, और बहुत जिम्मेदार लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, उसको उच्चारित कैसे करना है, उसका उच्चारण क्या है, प्रोनाउंस कैसे करना है, उसमें मुझे महीनों लग गए। सहिष्णुता, सहिष्णुता कुछ इस तरीके का शब्द था, मैं उसे पढ़ ही नहीं पाया। 70 बरस का हो गया हूँ हिंदुस्तान में, जब से होश संभाला है आज तक मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। मैं इसी चक्कर से नहीं निकल पाता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इसी पर गर्व करता हूँ।
ये मेरे लिए आनंद की बात। क्या बात, क्या बात। मैं अपने दोस्त बहुत अच्छे जगन्नाथ विष के लिए एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी शायरी शुरू करूंगा। क्या बात भाई आपके लिए। और आज ये भी अच्छा लगा कि उनकी बेटी भी कविता के क्षेत्र में आई और बहुत अच्छा पढ़ा। मेरी भी बेटी ही है वो, सुने के गुलाब ख्वाब, मैं इधर से कहूंगा ही नहीं कुछ कि आप कुछ कहिए। गुलाब इसलिए कि मैं थोड़ा सा मर्दाना किस्म की शायरी करता हूं तो ज्यादा उम्मीद भी मर्दों से ही रखता हूं। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। आज मैंने दिन में कहा था विश्व जी से कि भाई अब तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, दवाइयों पे जिंदगी गुजर रही है, तो ये पुरानी वाली दवा समझ गए मेरी। तो इन्होंने कहा आज भाई दवाई आ जाएगी, मैंने कहा नहीं वो दवाई अब तो 3-4 साल हो गए, लेकिन शेर में आ गया। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। क्या क्या मैं आ गया क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है, और फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। क्या बात है, क्या बात है, तुझे पता नहीं। वाह वाह वाह, पर तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। इन नौजवान जो काफी संख्या में हैं, बड़ी तादाद में बैठे हैं, हालांकि जो बुजुर्ग बैठे हैं वो भी नौजवानों से कम नहीं है, नागदा के हैं, लेकिन वो भी सुने, लेकिन उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अमल ना करें। नौजवान जितने हैं वो आज से ही अमल शुरू कर सकते हैं। क्या बात, तो फायदे की चीज है। मेरी उम्र अब कोई लगभग 70 बरस की हो गई है, लेकिन मैं किसी जमाने में 20 बरस का भी था और ठीक ठाक ही था। तो वो तजर्बा जो है वो शेर आपके बच्चों के लिए नौजवानों के लिए करना चाहता हूँ, वो काम आएगा, सुन ले आप। लेकिन जरा सा लगना चाहिए कि नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। सुने साहब के शहरों में तो बारूदों का मौसम, मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूं, जिस वक्त तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप पूरी तरह से मेरी गिरफ्त में आ गए, तब मैं पहला शेर पढ़ूंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको टटोल रहा हूं, आपकी तलाशी ले रहा हूं कि आप कहां तक मेरे साथ में हैं। देखिए मुझे कोई गर्रा वर्रा नहीं है कि मैं कोई बड़ा शायर हूं, लेकिन मैं कोई 20-22 बरस तक देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में गजल पढ़ाता रहा हूं, प्रोफेसर रहा हूं। तो मुझे मालूम है कि गजल कहने के लिए, गजल सुनने के लिए, गजल समझने के लिए, गजल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत बच्चनन होना जरूरी होता है। और जिस वक्त व्यंजना अपने श्रृंगार की रचनाएं पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरे काम के काफी लोग हैं। सुनिए दोस्त, मैं कह रहा हूं कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। क्या बात है, क्या बात है। शहरों में तो मुझे बहुत अच्छा लगा विश्व जी आपके शहर में आकर, मेरे सामने बहुत परिचित लोग, मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, लेकिन यहाँ निष्पक्ष खड़ा हुआ है सामने जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके कि आपके यहाँ के लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है।
साहब मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। क्या बात, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। विश्वजी, तुझसे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। क्या बात है। देखिए दोस्तों, बहुत शरीफ लोग हैं, नेक लोग हैं आप। एक सच्चाई आपके सामने बयान करना चाहता हूं, वो ये कि मैंने अभी तक एक भी शेर आपको नहीं सुनाया। अगर अब आप इजाजत एक बार दे दें मुझे तो मैं पहला शेर सुनूंगा, और मुझे रास्ता भी मिल जाए कि मुझे आपको क्या सुनाना है आज की रात। साहब, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हिफाजत कीजिएगा, इम्तिहान आपका है। मेरी जिम्मेदारी कम हो रही है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। कह रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है भाई, वाह। हम अपनी जान के दुश्मन को क्या कहने। नहीं, वो हाथ जो जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, वो लाइन ठीक थी। मेरा ख्याल है ये थोड़ी कमजोर लाइन, मेरा ख्याल है मैंने कोई कमजोर लाइन पकड़ ली। मुझे एक मिनट में ट्रैक चेंज करने में मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन नुकसान आपका होगा जब मैं कल चला जाऊंगा, कि तो आप कहेंगे आदमी क्या बेला के डमरू बजा के चूरन बेच के चला गया। लेकिन मैं जिस शायरी की खिदमत करता हूँ 50 साल से, एक तिहाई दुनिया में मैंने शायरी सुनाई है, 1/3 वर्ल्ड। 5-7 तो रिजेक्ट हो गए मेरे पासपोर्ट, इतनी शायरी सुनाई है। तो मैंने क्या किया है, झक मारी है क्या, ये मैं नहीं सुनाना चाहता। मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है 50 साल में। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, वाह। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, पहला शेर सुना रहा हूँ काबरा जी आपको सर। जो ये दीवार का सुराख है, गजल से इशारे कर दिए, इशारे तक आपको पहुंचना है। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है, षड्यंत्र। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। बस ऐसे सुनते रहिए तो मैं शेर निकालता रहूं। क्या बात। देखिए मेरे अजीज दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इंदौर के आसपास रहता हूं। आज मैं एक मेरे पत्रकार बंधु से बात कर रहा था कि साहब 50 साल हो गए, 45 साल हो गए, इतने अजीम मुल्क में मैं पैदा हुआ हूँ, इतने अजीम देश का मैं शायर हूँ, कि मैं 50 साल से हर दूसरे दिन किसी नए शहर में, किसी नए सूबे में होता हूँ, किसी नए गांव में होता हूँ। लेकिन आज भी अगर मैं ये दावा करूँ कि मैंने पूरा हिंदुस्तान देख लिया है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं अभी कहीं नहीं गया हूँ। मैं जब आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मैं समझ लीजिए कि हिंदुस्तान तो बहुत अजीब मुल्क है। तो शेर सुनिएगा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। उन्हें बुजदिल कोई कहता है तो अफसोस होता है। हमारे सैनिकों पर, हमारे शहीदों पर हैरत है, कैसे कैसे कमेंट किए जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं सच्चाई। एक शेर पढ़ रहा हूं,
उन्हें बुजदिल को ही कहता है, तो बहुत अफसोस होता है जो अपनी जिंदगी को जंग का मैदान कहते हैं, उन्हें बुजदिल को ही कहता है, तो फिर अफसोस होता है जो अपनी जिंदगी को जंग का मैदान कहते हैं। फिर एक बार शेर सुन के दिखाइएगा कि मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। क्या बात है। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? मैंने ये पूछा, आपको अच्छा लग रहा है ना? साबित भी करिए। मैंने सिर्फ जुबान से कह दीजिएगा ठीक लग रहा है, तो मैं इसी तरीके से शेर पढ़ता रहूं। अब मैं फिर वो शेर सुनाता हूं जो आपने एक मरतबा सुन लिया। सुनिएगा भाई विष्णु जी, आपसे मैंने कहा था कि मैं पढ़ूंगा, और आप सुन के बताइएगा कि शेर किस तरीके से सुनना चाहिए। साहब, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। तमाम लोग शिरकत करें। ये फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। मेरे सामने बैठे हैं, ये शेर में मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं, खुदा करे वो हिंदुस्तान में ही हो, तो ये शेर मेरा वहां तक आप जरूर पहुंचाइएगा। सुनिएगा, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी, जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। कट चुकी है उम्र सारी, जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। मैं फर्ज अपना समझता हूं कि जिस उनवान से, जिस टाइटल से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं इसे शेर को जरूर सुनाऊं कि मैं इससे पवित्र और अजीम जलसे का एक हिस्सा बन जाऊं, मुझे खुशी होगी। इसके लिए आपका मेरा साथ। मैं इन उन सैनिकों की तरफ से चार लाइनें पढ़ता हूं जो वहां हमारी हिफाजत में लगे हुए हैं। उन्हीं की तरफ से चैलेंज जो है, सारी दुनिया को, एक आध देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान को गाली नहीं बक रहा हूं, मैं अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत कर रहा हूं, उसका सबूत दे रहा हूं। सुनिए के साहब, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। सच्ची शायरी शुरू की है तो सच्चे तरीके से सुन लेना, तो मेरा जी लगेगा, वरना अनमने से पढ़ो। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी। क्या बात, कि हम परों से नहीं हौसलों से। देखिए साहब, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। क्या सूरज, ये किसी और का समझ गया लड़का। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाए। ये आवाज भी जाना चाहिए इस्लामाबाद, शाखों से टूट जाए
वो पत्ते नहीं है आम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। दो शेर और पढ़ना चाहता हूं। हमारे यहाँ के बहुत ही जिम्मेदार लीडर हैं, मैं लीडर्स का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए लेकिन उनसे ताल्लुक है, उनसे जुड़ाव है और मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ बात कर रहा हूँ। एक बयान उनका अक्सर आता रहता है अखबार में, राजनाथ सिंह साहब की बात कर रहा हूँ, उनका एक बयान ये अक्सर आता रहता है कि हम पड़ोसी मुल्कों से खूबसूरत रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहते हैं, मोहब्बत की बातचीत करना चाहते हैं, उनसे डायलॉग करना चाहते हैं। गाजियाबाद के कवि सम्मेलन में उनसे मेरी भेंट हुई तो मैंने कहा कि साहब आप ज़रूर बात कीजिए, ज़रूर बात कीजिए पड़ोसी देशों से, लेकिन बात करने का तरीक़ा बदल दीजिए। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई साहब पीछे से कहा माई से, मियाँ राहत मियाँ आप ही बता दें कि तरीक़ा क्या होना चाहिए। तो मैंने साहब तरीक़ा बताया, अगर तरीका ये सही हो तो आप सबका समर्थन मैं चाहता हूँ, जितनी बड़ी महफिल है पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ, ये तरीका मैंने बताया, सुने भाई। हाँ जी साहब, जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, देखिए जुगाड़ या उधार इसे कहते हैं, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तार है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। जो तार है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर के साथ। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो, वाह वाह, दिल्ली में हम ही बोला क्या करें बात है। अमन की है। बोली यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। अब मैं व्यंजना ने एक अच्छा सेंटेंस बोला था और वो मेरे भी काम आ रहा है कि अब मेरी कविता जो है, मेरी शायरी जो है समापन की ओर आ रही है, लेकिन अफसोस ये है कि मैंने शायरी शुरू ही नहीं की और समापन की ओर आ रही है। इसलिए कि देखिए एक मैं एक बात बता दूं कि एक कैसेट होता है वो यहाँ गले में हमारे अटका रहता है और उसे हम रोज़ बजाते रहते हैं। 50 साल हो गए हैं, अभी विश्वजी ने नए सुना दिए, वरना ये भी 50 साल से एक ही कैसेट बजा रहे हैं सारे देश में और आज यहाँ कल वहाँ वहाँ इस तरीके से घूमते रहते हैं, लेकिन एक कैसेट यहाँ सीने में होता है, वो बहुत मुश्किल से निकलता है। वो निकालने वाले आप लोग होते हैं। खुदा करे कि आज की रात वो कैसेट निकालने पे मैं मजबूर हो जाऊं और बस आ जाऊं। क्या बात, बहुत शुक्रिया। सुने कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं, आप साबित कीजिएगा कि आप इनसे ज्यादा शेर समझ रहे हैं इन लोगों की तरफ से। सब सारा कवि सम्मेलन इधर चला गया है, इधर से लेकर इधर आइए आप, तब मजा आएगा। सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। वाह वाह वाह, सिर्फ खंजर ही नहीं है भाई, वाह वाह, आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, और मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। वाह वाह वाह, मैंने अपनी, वाह यार आप लोग तो शायरी सुनने बैठे हैं भाई, मुझे मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। आप लोगों को मैंने जाने क्या क्या सुना रहा हूँ बहुत देर से, लेकिन आप लोग तो शायरी के सुनने के लिए बैठे थे, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलिए ये पारी फिर से शुरू करते हैं। ने बड़ा इश्क का रोना रोया, बड़ा प्यार का रोना रोया, हमारे साथी है बहुत पुरानी, शायर की हैसियत से और बड़ा होने की हैसियत से मैं उन्हें दुआ दे सकता हूँ कि श्रृंगार में उन्होंने बड़े दुख रोए के
न तू मुझे मिला, न मैं तुझे मिली, न वगैरह, न जाने किस आदमी की तलाश है इन्हें, तो किसी और की तलाश। सुने साहब के जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। वाह, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। इसमें आगे के दो शेर इस काम के थे जो यहाँ के कैसेट से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ये मैंने सुनाया। अब साथ दे मेरा, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए और जुगनुओं जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। काश ये शेर भी मेरा आपको याद रह जाए तो मजा आ जाए। इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए और उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर। आज हम दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें। ये दो जुबानों का संगम नहीं है बल्कि दो कल्चर का, दो तहजीबों का तीर्थ बना दिया है जगन्नाथ विश्व ने और पत्रकार बंधुओं ने, और इसी मोहब्बत की जरूरत है, इसी इश्क की जरूरत है। आज हम दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। ये शेर खत्म हो गया। आज हम दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। क्या बात? ये मुनाफे की तिजारत है चलो इश्क करें। मेरी पहली सफ में जो मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे महबूब रहनुमा, देश के बहुत ही जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ इनसे माफी के साथ एक शेर आप सबकी नजर कर रहा हूं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आप बताइएगा आगे वालों को भी कि राहत इंदौरी ने सच कहा है। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, बहुत बड़ा शेर, वाह वाह वाह। आप हिंदू, क्या मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। क्या बात, सब नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं
इतने बुरे नहीं होते, सजा ना देके अदालत बिगाड़ दे। जो जुर्म करते हैं, क्या बात, जो जुर्म करते हैं, क्या बात, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना देके अदालत बिगाड़ देती है। सजा ना देके अदालत बिगाड़ देती है। एक दो गजलों के और शेर पढ़ूंगा। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से आपने सुना मुझे, आपको सुना दूंगा, मैं जरूर सुनाऊंगा। बहुत पुराने लोगों को बुलाया नहीं नहीं, लेकिन आप मेरा हौसला है, आप मेरी हिम्मत है, मुझे ये अच्छा लगा कि आप मेरी शायरी मुझसे पहले यहाँ पहुंची भी है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लोगों में ही बैठा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या बात, सजा ना देके अदालत बिगाड़, सजा ना देके, देखे साहब के उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, सुने साहब उंगलियां यूं, देखिए ये हमारे भाई बैठे दिलीप सिंह साहब, गुर्जर साहब, इन्होंने मुझे एक मरतबा बुलाया था बड़ी मोहब्बतों से, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर दूँ, दूसरे साहब जो हैं आज उस ओहदे पर, मैं उनका भी दोस्त हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई जायज या नाजायज ताल्लुक नहीं है। मैं दिग्विजय सिंह साहब के साथ यहाँ आया था, मैं कांग्रेस का भी आदमी नहीं हूँ, लेकिन दिलीप सिंह गुर्जर का आदमी हूँ, इनकी मोहब्बत है इसलिए मैं आता हूँ। क्या बात, सुनिए साहब की उंगलियाँ यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। देखिए मैंने पहले आपको एक शिक्षा दी थी कि हाथ मिलाओ तो दबा दो, लेकिन उसके अलावा भी कुछ शिक्षा है, इसमें भी शरीक रहना। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। वाह वाह वाह, जिंदगी क्या है, वाह भाई वाह, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओ। क्या बात, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। क्या बात, क्या बात, शाम के बाद, बहुत बढ़िया, शाम के बाद तुम जब सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। और चांद सूरज कहां अपनी मंजिल कहां, चांद सूरज कहां अपनी मंजिल कहां, ऐसे वेशों को मुंह मत लगाया करो। चांद सूरज कहां अपनी मंजिल कहां, ऐसे वेशों को मुंह मत लगाया करो। एक दो तीन शेर का ये बच्चों ने फरमाइश की है, फरमाइश तो क्या हुक्म दिया है, याद दिलाए, लेकिन शरीक आप सब हो, इसमें भी एक जरा सी बुराई ही या अच्छाई, खूबी या खामी ये है पहले शेर में। काबरा साहब में कुछ जाती तो नहीं कर रहा हूं? अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, आज तो खजाना निकल रहा है हमेशा की तरह। ये मतला अचानक खत्म हो जाता है, तो आपसे ये गुजारिश मेरी ये है कि बहुत होशियार रहकर सुनना है, वरना जरा से स्लिप हुए तो मतलब पीछे रह जाएगा और आप हम सब आगे बढ़ जाएंगे। साहब उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है। आप इशारा में समझिए, ये कोई और ही है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वरियां खंजर वंजर सब, खत्म हो गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वरियां खंजर वंजर साहब, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं,
चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब, ये एक नाकाम और नामुराद प्रेमी का आवाज की आवाज, याशिक की आवाज। लेकिन एक आवाज थोड़ी मर्द की भी होती है, मर्दाना होती है, शायद वो आपको ज्यादा समझ में आए और पसंद आए। मैंने अभी ये पढ़ा कि जिस दिन से वो रूठी, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है, भीगे पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर, मुझसे बिछड़कर ये बात, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी, क्या बात है क्या बात, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी। ठीक है ले लीजिए, सब आपके लिए है। क्या मुझसे बिछड़ कर वो भी कहां पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े साहब, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। इस लाइन की आपको दाद देना थी, अच्छी लाइन थी है। गजरे नुकीले हो गए, वाह वाह, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, और फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, क्या बात है, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, क्या जरूरी है आज की तारीख और मेरी यहाँ पर मौजूदगी, मेरी आमद और आज का इस प्रोग्राम के हवाले से, अगर मेरा ये शेर आपको याद रह जाएगा तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। गजल कहाँ तक पहुँच सकती है ये मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू मिथोलॉजी में आया है कि दानवों ने और राक्षसों ने समंदर का मंथन किया था, जिसमें से जहर हलाहल अमृत शराब सारी मुख्तलिफ चीज़ें निकली थी। भगवान शंकर ने जहर पी लिया था, इसीलिए वो नीलकंठेश्वर भी कहना है, जिसम उनका नीला पड़ गया। यानी ये शिक्षा थी कि खुदा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, शंकर बनने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि सारी दुनिया का जहर पी लिया जाए ताकि लोगों के लिए नहीं। क्या देखिए, और आज देखिए, सवेरे 4 बजे उठ के टेलीविजन खोलिए, हर चैनल पर एक नकली खुदा अपने भगवान होने का ऐलान करता है, अपने शंकर एलकार होने का ऐलान। क्या बात, क्या बात। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और उसकी दाद चाहूंगा, सभी बुद्धिजीवी है मेरे लिए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन देखिए मैं इसे गजल कैसे बना सकता हूँ, समझदार लोग बैठे, मैं इसे गजल कैसे बना सकता हूँ। मैंने ये शेर कहा कि फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है करे विषपान हम शिव की तरह, क्या जरूरी है करे विषपान हम शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो गए, क्या जरूरी है, क्या बात है, क्या बात है, क्या जरूरी है, करे विषपान हम शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात। अब मुझे भी तजुर्बा है कि जब लोग बैठे हुए होते हैं सामने तो क्या सुनाना चाहिए और कुर्सियों को क्या सुनाना चाहिए, दोनों चीज़ें मुझे याद हैं। तो मैं कुर्सियों को सुनाकर देखता हूँ, पहले ऐसा लगेगा कि नहीं सिर्फ कुर्सियाँ नहीं हैं, इंसान भी हैं।
तुम्हें शायद कोई दो चार शेर। क्या बात। हाँ जी साहब सुनिए कि जो चार लाइनों के लिए आया था कि एक आवाज़ आई थी वो पढ़ा दो, अगर वो पकौड़े खा रहे हों या खा चुके हों तो ज़रा सी दो चार मिनट के लिए आ जाएं। तो मैं जब यहाँ से वापस जाऊँगा तो मैं रास्ते में मैं ये सोचता जाऊँगा कि मैंने ठीक ठाक काम करके आया हूँ, वरना ऐसे ही गया पकौड़े खाते हुए लोगों के बीच में तो मैं कल तक का खाना हजम भी होगा नहीं कुछ भी। हमारे जो मित्र हैं बस थोड़ी सी देर के लिए प्लीज आगे आके बैठ जाइए अपनी कुर्सी ना आए वहीं से उनका अपना चेहरा इस तरफ में इस तरफ कर ले। सुने के रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। क्या वाँ। वाँ। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जय हो। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। और उसकी याद आई है, उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। क्या बात। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। इतने में तो इतने जिस तरीके से आप सुन रहे हैं इसमें तो हम जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। साहब सुनिए कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा। अच्छा वाह, उससे दो शेर पहले और सुन ले, भी अच्छी गजल में सुनाओ क्या, इसे इजाजत दूंगा आपसे। साहब सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं, मजा ले लीजिएगा। सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं, यहां जो कुछ नहीं करते वो माला माल रहते हैं। सियासत में सियाहकारों के चेहरे लाल रहते हैं, जो कुछ नहीं करते, यहां जो कुछ नहीं करते, क्या बात है, वो माला माल रहते हैं। शेर सुनिएगा कि मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में, यहां जो कुछ नहीं करते वो मालामाल रहते हैं, मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में, सुनहरी मछलियां थी आजकल घड़ियाल रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, गंगा में, क्या बात है, मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में, सुनहरी मछलियां थी आजकल घड़ियाल रहते हैं। ये मेरा बड़ा पर्सनल शेर है भाई, आपका ऐसा शरीर हो सके। सुनहरी मछलियां थी आजकल घड़ियाल रहते हैं, कराची में, कराची में न दिल्ली में, कहीं भी जी नहीं लगता। सुना है आजकल घड़ियाल रहते हैं, कराची में न दिल्ली में, कहीं भी जी नहीं लगता। सुना है हजरते दिल आजकल भोपाल रहते हैं, कराची में ना दिल्ली में, कहीं भी जी नहीं लगता। सुना है हजरते दिल आजकल भोपाल रहते हैं। क्या साहब, ये सुन ले गजल छोटी सी है कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर, ये मेरी बहनें बेटियां सब शरीक हो सकती हैं, बहुत अच्छी गजल सुना रहा हूं। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, वाह वाह वाह, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, बात है, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। बढ़िया, वाह
इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे और पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है, हर तरफ सूरज, हर तरफ सूरज पसीने बांटता फिर, मुझे वो छोड़ गया। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। आप ये शेर याद करके साथ में गुनगुनाते हुए चले जाइए कि मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, सुने साहब सरदार साहब, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा मजा चखा के ही माना हूं, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। अब नौजवानों की टोलियां तो चली गई, लेकिन दो चार अगर सामने हो भी तो उनको शरीक करके मैं रुख्सत हो रहा हूं। हमारे एक उर्दू के एक आलोचक हैं, कृतिक हैं, बड़े रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं रहे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। क्या बात है? ये हो मजा चखा के ही माना हूँ मैं भी दुनिया कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। अब ये मजा लीजिएगा कि बचा के रखता है खुद को, 2% भी अगर हैं लड़के तो मैं उनके लिए फिर तोहफा देकर जा रहा हूं, बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन, जिसका जिस्म शीशे का है वो मुझसे बचा के रखता है अपने आप को, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे, बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन, उसे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो बात कह रहा भूल गया आपसे कि रशीद अहमद सिद्दीकी एक क्रिटिक है उर्दू के। ए बेटा चलिए आपकी बात नहीं, चलिए चलिए जी, मैंने ये कहना चाह रहा था कि क्रिटिक ने हमारे ये कहा है कि अच्छी शायरी की एक डेफिनेशन ये भी है कि उसे ज्यादा देर तक नहीं सुना जा सकता, लेकिन आपकी मोहब्बतें आप इतनी सर्दी में नवंबर की रात में यहाँ खुले में बैठे हुए हैं तो हमारा फर्ज है कि हम आपकी शिरकत जो तशरीफ है इसका आनर करें, आदर करें। साहब समंदरों के सफर में हवा चलाता है, समंदरों के सफर में हवा, समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, समंदरों के सफर में हवा चलाता है, समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, और तुझे खबर नहीं पकोड़े वालों, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान को ही दूसरा चलाता है, तुझे खबर नहीं। नागदा के बहुत ही सभ्य लोग हैं, आप ये कुछ गलत दुकान का मतलब कुछ गलत मत समझना, दुकान का मतलब सिर्फ दुकान जैसे उनके लिए पकौड़े की एक दुकान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है, हम अपने बूढ़े चिरागों पे खूब इतराए, हम अपने बूढ़े चिरागों पे खूब इतराए, और उसको भूल गए जो हवा चलाता है।
हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चलाता है और ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं, ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं। उधर उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये दोस्तों आपकी इस मोहब्बत को सलाम कर रहे हैं राज साहब भी। दरअसल कल सुबह ही इंदौर से कहीं इनकी फ्लाइट है, उन्हें जाना है और मन तो उनका भी था कि बहुत कुछ वो सुनाते। देखिए वो एक चैप्टर एक शेर पे सुना रहे, वंस मोर मत कहिए, वंस मोर के चक्कर में हम 132 करोड़ हो गए हिंदुस्तानी, वन मोर कहिए। और ये छूट भी ये इजाजत भी हम सर को दें, आप कोई फरमाइश ना करें, जो आपका मन हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ एक आखिरी गजल के लिए। अब आप मेरे मन से तीन चार शेर सुन लें। ये गजल भी बहुत बदनाम है इस पूरे मुल्क में मेरे, और यह मशहूर है। ये उर्दू जब डेवलपमेंट एज में थी अपने, उस जमाने में एक शब्द नहीं जो मैं बोलता हूँ नहीं, इसे प्रोनाउंस किया जाता था नहीं। इस सारी दुनिया में जो गजल लिखने वाले हैं उन्होंने प्रयोग किया कि नहीं को नहीं लिखा जाए। मैंने भी कोशिश की है, बहुत हल्की फुल्की गजल है, लेकिन जरा सा इजी हो जाएंगे आप, आसान हो जाएंगे और मैं भी यात्रा करने में मुझे अच्छा लगेगा। क्या बात है, साहब बुलाती है मगर जाने का नहीं, 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 ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बात है, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, और मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। क्या बात है, क्या बात है, मेरे मेरे बेटे, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मगर हद से गुजर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सुने के वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया।